रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद NIT ने आज सेक्टर 12 ओजोन सेंटर के ग्रीन बेल्ट में 50 पौधे लगाकर वृक्षारोपण का प्रोजेक्ट किया। क्लब के सदस्यों के अलावा उन सभी की पत्नियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। पौधारोपण के अलावा क्लब ने एक डॉक्टर सेशन का भी आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता थी मेडिचक हॉस्पिटल की डॉक्टर रंजीता गुप्ता, गायनोकोलॉजी एवं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और मुंबई से प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर राखी मेहता। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब की फर्स्ट लेडी अनुराधा चंदा के द्वारा सभी महिलाओं को स्वागत करने से हुई। इस अवसर पर उन्होंने दोनों डॉक्टरों को क्लब की ओर से पौधे भेंट कर सम्मानित किया। डॉक्टर रंजीता और डॉक्टर राखी ने क्लब की सभी लेडीज़ को मेनोपॉज से संबंधित विशेष जानकारी दी और उनके सभी सवालों का जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं एकता रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ NCR। आज मैं रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद NIT की लेडी टीम के साथ हूँ। वैसे ये क्लब पिछले 10-12 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इस साल फोकस कुछ महिलाओं के मुद्दों पर रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टीम की जो फर्स्ट लेडी हैं, यानी कि द प्रेसिडेंट विपिन चंदा, हिज वाइफ अनु चंदा एंड अनुराधा चंदा, एंड वी विल स्पीक टू हर एंड फाइंड आउट कि इस साल उनका फोकस कौन से टॉपिक्स पर रहेगा। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म अनु। हेलो, टेल अस, आप इस साल क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाली हैं और अचानक से ये फोकस महिलाओं पर कैसे? ये इसीलिए विपिन चंदा, क्योंकि वो चाहते थे कि इस बार लेडीज़ आगे आएँ, नहीं तो जेंट्स ही सारे शो होते थे इसमें। लेकिन हाँ, रोटरी का सबसे बेसिक क्या है कि आपने सोशल वर्क करना है, ठीक है? तो सोशल वर्क के लिए क्या है कि हमने लेडीज़ ने अब इकट्ठा, अब हम सब भी चाहते हैं कि हम भी कुछ करें, ठीक है? तो इस साल की अभी तो ट्री प्लांटेशन है, इसके बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा लेडीज़ का, गायनो आएंगी डॉक्टर रंजीता, और फिर उसके बाद हमने सैनिटरी पैड्स का करना है, हमने वो कंप्यूटर्स का करना है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं। जैसे अपनी टीम है हमारी, तो जैसे जैसे सजेशन देते जाएंगे ये लोग, हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, यानी सारा फोकस महिलाओं पर रहने वाला है। तो ये बताइए कि कोविड को ध्यान में रखते हुए आप कैसे काम करेंगे? कोविड की पूरी प्रोटेक्शन लेंगे हम, वो तो हम अभी साथ खड़े हुए हैं, यू नो, हाँ, तो इसलिए हमने अभी मास्क नहीं लगाए, लेकिन हम मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब। okay. हर चीज़ को साथ में वेल प्लान्ड सब कुछ चलेगा कि कोविड तो मेन है कि अब बच्चों पे ज़्यादा है, जैसे आगे आने वाला थर्ड है, हाँ थर्ड वेव तो बहुत ज़्यादा है, तो वो सब ध्यान में रखेंगे। और भगवान ने चाहा तो हो सकता है लॉकडाउन ना हो और हम ये सब फिजिकली सब कुछ कर पाए। थैंक यू सो मच, आर विशेज टू यू। आइए सेक्रेटरी, यानी कि क्लब सेक्रेटरी जो हैं मिस्टर वीरेंद्र मेहता, उनकी वाइफ मिसेस मेहता से जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, कितने टाइम से वो रोटरी के साथ जुड़ी हुई है। मिसेस मेहता, आपको कितने साल हो गए रोटरी के साथ? 2 साल हुए हैं। 2 साल, हाँ जी। और इस साल अब आपके ऊपर भी जोर रहने वाला है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे। हाँ, आप समाज के लिए टाइम निकाल पाएंगी क्या? हाँ जी, कोशिश पूरी करूँगी, वैसे तो मेरे बच्चे बड़े हैं, पूरी कोशिश रहेगी जितना ज़्यादा जिसे ज़्यादा कर सके काम। अच्छा, और बच्चे आपको मना तो नहीं करेंगे बाहर निकलने? नहीं, बिल्कुल नहीं, सारी फैमिली सपोर्ट करती है। राइट, हाँ जी। वी कैन सी द टीम इज़ रियली एंथुजियास्टिक, देर आर नंबर ऑफ वुमेन हेयर, और बहुत जल्दी ही यहाँ पे डॉक्टर रंजीता गुप्ता और डॉक्टर राखी मेहता, दे विल बी हेयर टू डिलीवर देयर गायनी सेशन। पैंडमिक या महामारी को ध्यान में रखते हुए एक गायनोकोलॉजिस्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या डिवेलपमेंट्स रही और आपके क्या चैलेंजेस रहे पेशेंट्स के साथ? आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू आर आस्किंग सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। सो अगर मैं सिर्फ पैंडेमिक की बात करूं, जैसा ये आजकल का सिनेरियो चल रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, एक तो लोग जब ये पता चला कि ऐसी कोई बीमारी विश्व में आ गई है जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे सोशल मीडिया ने भी हमें बहुत आगाह किया जी कि क्या क्या सावधानी बरती जाए। देखो, वो बहुत ज़रूरी था और वो किया गया गवर्नमेंट के साइड से, हम जाके तब सतर्क हुए, हम उसकी गहराई को तब समझे कि हाँ ऐसी कोई हो सकती है जिससे एक छोटा सा वायरस जो कि हमारे सांस पे अटैक करेगा और सांस पे अटैक करने के बाद हमको इस हद तक गिरा देगा कि हमको जूझना पड़ जाएगा अपनी लाइफ से। बिल्कुल, तो उस चीज़ को लोगों ने इतना समझा कि क्या होता है क्वारंटाइन, क्या होता है पैंडमिक, क्या होता है आइसोलेशन, क्या होता है। देखो, सिर्फ एज ए डॉक्टर अगर हम काम करते तो शायद हम ना कर पाते, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का साथ, आप लोगों का साथ, हमारा साथ और जनता का भी साथ हमें मिला, तो जाके इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, इतनी अवेयरनेस आई, इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। एंड डेफिनेटली अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात की जाए, तो डेफिनेटली जब वैक्सीन नहीं भी था तो भी हम फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल,
और आई एम रियली थैंकफुल टू माई स्टाफ जिन्होंने एक पल की ये परवाह किए बगैर, मतलब कि ऐसी कोई बीमारी हमें भी लग सकती है, हम इनकी सेवा करें या ना करें। देखो डॉक्टर्स का धर्म अलग होता है, लेकिन हमारे साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं वो भी बहुत सजग हो गए कि नहीं हमें बचाना है, एक ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है और उसको बचाना है। तो ऐसा नहीं कि हमें कोविड नहीं हुआ, डेफिनेटली हम भी उस दौर से गुजरे, हमारा भी दिल दहला। फिर जब वैक्सीन्स आई, हमें वैक्सीन्स लगा, और वैक्सीन्स के बाद जो ये अप्रैल और मई की जो सेकेंड वेव थी वो तो बहुत ही दुर्घटनापूर्व थी, मतलब जिसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन हाँ, सभी लोग तब भी सजग थे कि हाँ हमें इंजेक्शन चाहिए, दवाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, फ़ोन पे मतलब इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, हर चीज़ के लिए वो आगे आए। और जितनी हम भी मदद कर सकते थे सबकी, आम जनता की, हमने किया। बिल्कुल, हम न्यूज़ NCR हमेशा इस बात को समर्थन देता रहा है कि देयर शुड बी नो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, एंड प्लीज़ आपके डॉक्टर्स भगवान नहीं है, वो इंसान हैं जो आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब कई बार देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स सोशली और पब्लिक इंटरेक्शंस में भी नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। तो पब्लिक के बीच में जाने से, सोशली उनके साथ इंटरेक्ट करने से क्या आपका कनेक्ट बढ़ता है, और मतलब लोगों को एक डॉक्टर पे विश्वास बढ़ता है, क्या पर्पस है इस चीज़ का? देखो हम ऐसे संसार में रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना पड़ता है जी, ठीक है। और जहाँ तक रही हमारे सोशल होने की, तो सोशल तो ऑलमोस्ट हर बंदे को होना पड़ता है। हम एक दूसरे से नहीं बात करेंगे, हम एक दूसरे, देखो हमारे पास कौन आता है, सुखी लोग कम आते हैं, दुखी लोग ज़्यादा आते हैं, तो हम तो दुख में सुख ढूंढते हैं। बिल्कुल, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जहाँ तक रही कि हमारा उनसे जब तालमेल बढ़ेगा तो ही वो हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि भगवान का दर्जा, नहीं, हम नहीं हैं, कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं है। हम एक प्रकार की जो साइंस है और साइंटिफिक जो बातें हैं हम उन पे ही चलते हैं, हम उनका ही पालन करते हैं, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है या हमारे मेडिकल साइंस के थ्रू आती है, हम वही करते हैं। राइट, आई थिंक बहुत सही बात कही है डॉक्टर गुप्ता ने कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं विद एक्स्ट्रा नॉलेज, जिससे हम लोगों का इलाज करते हैं। और किसी भी डॉक्टर का पर्पस ये नहीं होता कि उसके पेशेंट को कभी भी कोई डैमेज हो, वो भगवान नहीं है, वो कुछ इंटेलिजेंट इंसान हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, वॉट इज़ द रीज़न ऑफ यू नो द सडन सर्ज और राइज इन IVF फर्टिलिटी सेंटर्स? वाई डू पीपल नीड IVF फर्टिलिटी नाउ सो मच? Thank you so much for inviting me over here. I'd like to throw some light on the rising causes of infertility nowadays. Okay. One of the main factors we see is the increase in the age at which women and men are getting married nowadays. Mm-hmm. With more and more women being job oriented and career oriented, they tend to get married a little later on. Yeah. And then because of their careers or their education, they plan their babies even much later on. So that with the increase in the age, we've seen that the ovulation, the egg producing capacity of a woman, it decreases with the age. There's a decline that is seen. So that is one of the factors which causes a decline in the fertility. Mm-hmm. And due to which these women are not able to conceive on their own. They need some help or the other in some form, due to which they need to visit a fertility specialist. Yes. So that is one of the reasons we've seen has resulted in an increase in the fertility centers. The other reason is with the increase in the pollution and the food, the kind that we kind of eat, stressful lives, use of gadgets also increases the risk of infertility, especially if we are talking about male infertility. Use of laptops and cell phones, there is some sort of radiation which is released from these gadgets. Okay. So that is known to have some sort of an effect on the fertility of males. Okay. So what we are seeing nowadays is a rise in the trend of infertility in males as well. Okay. Previously, it used to be more of a tubal factor where the tubes were resulting in as a cause of the infertility, but nowadays even male factors is on a rise. Okay. So these are two of the factors, and then there is also a rise in infections in women.
right. which results in damage to the tubes right. or the uterus, which may result in lack of fertility in the women. Okay. So what's different that's happening now at the fertility centers? What we are seeing now is a rise in social freezing. Okay, what's that? Social freezing is when a woman wants to delay her pregnancy, mm-hmm. but she is keen to have her own babies. Okay. So when she decides that this is the right time for her to have babies, she will have a babies then. Okay. So, but it might be that she would want to have a babies later on, say late 30s or late 40s. Right. But by that time, the egg producing capacity would have been on a decline. Right. So at an early age, she would like to freeze her eggs. Right. And these eggs can be frozen for quite some time. And then later on, when she decides to have her own babies, then she and her partner can decide at what stage of her life she would like to have a babies. So this is one of the factors why women are visiting fertility centers even more. Okay. The other thing is because of late marriageable ages nowadays, mm-hmm. there is some problem or the other in conceiving naturally. So some sort of a help is sought by the couple to help them. It could not necessarily be IVF, but some help in some form would be investigations, would be counseling, would be preconception counseling. So all these factors have resulted in couples visiting a fertility center even more nowadays. Right, right. And with a rise in the awareness among the couples. That's most critical. Social media and the media itself, they are aware that a fertility center can help them out with their completion of their family needs. Right. So which is why we see a rise in the trend okay. in people visiting fertility centers. Thank you so much for throwing so much light on such an important factor, Dr. Mehta. Maybe sometime in future, we would like to get you some more information to increase your awareness regarding the IVF fertility center.